हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो वापस से पाइथन की और नेगेटिव स्लाइसिंग को लेकर के। नेगेटिव स्लाइसिंग में कैसे हम करेंगे, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, सिनेरियो यहां पे डिफरेंट रहेगा। तो यहां पे नेम हमने लिखा, नेम इज इक्वल टू, अब यहां पर डमेटेड कोट्स में एक स्ट्रिंग लिखते हैं। जैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं, तो ये लिख लिया मैंने अपना नाम, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद इसको प्रिंट करवाना है। और प्रिंट कैसे करवाना है उसका भी एक यहां पर मैं देता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर हम स्टेप देंगे कैसे, जैसे यहां पे हमने दे दिया माइनस थ्री, क्या देंगे माइनस थ्री, प्लस नहीं माइनस थ्री देंगे, और यहां कॉलन लगा दिया। अब ये कॉलन लगाने के बाद अगला स्टेप क्या है, हम इसको ऐसे ही बंद कर देंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं दिया हमने लास्ट में, आप देख सकते हैं हमने कुछ भी नहीं दिया। तो माइनस थ्री का मतलब क्या आएगा, ये वन आई आएगा, फिर आर आएगा और ए आएगा, इसके सिवाय कुछ भी आना नहीं चाहिए, यही आंसर आएगा। तो चलिए एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं। तो ये आए हम, और यहां पे देख सकते हैं आई आर ए, यानी कि यहां से आई, ये आप राइट साइड से काउंट कीजिए, ये आई आर ए या ए आर आई, यही आपका प्रिंट होके आया हुआ है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये बड़ा आसान है, ठीक है।